तो दोस्तों धागों को निकाल के इस तरह से सारा जाल जो है मैंने बना लिया है, और इस पे डिज़ाइन जो मैंने बनाया है वो किसी इस तरह से है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि इस डिज़ाइन को हमने 15 लाइनों पे बनाया है इस तरह से। ये देखें ये 15 जो है लाइनें हमने बनाई हैं टोटल लेंथ में बना रही हूँ। तो इसको बनाना भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस को अगर आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करूँगी, एंकर की गुच्छी जो है 20 रुपये में एक मिलती है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अपनी आसानी के लिए मैंने इस तरह से एक नलकी पे लपेट लिया है। इस तरह से नलकी पे लपेटने के बाद वो मैंने ये देखें एक जो पीस है वो उतार लिया है। ये टोटल 6 धागे होते हैं, इसमें टोटल 6 थ्रेड होते हैं। तो ये मैंने एक जो है पीस 2.5 गज का इस तरह से मैंने उतार लिया है। अब हम इसमें से एक धागे को पकड़ेंगे, यहाँ से देखें इस तरह से एक धागे को पकड़ेंगे और आराम से खींचते जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये धागा निकल जाता है। इस तरह इसको खींचते जाएंगे। 2.5 गज का पीस है तो इसको जब हम फोल्ड कर लेंगे तो हम ये तकरीबन जो है 1.25 गज के करीब रह जाएगा, क्योंकि फोल्ड करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ जो है एक धागे को हमने निकाल लिया है, और बाकी का धागा जो है ये फिर इस तरह से सीधा करके तो साइड पर रख देंगे। अब इस तरह से ये देखें धागे के दोनों सिरों को आपस में मिला के तो सुई में डाल लेंगे। धागा डालने का असूल यही है ताकि काम में नीटनेस आए। इस तरह से धागा हमने डाल लिया है। अब ये देखें एक साइड हमारे पास इस तरह से बंद आई है। अब इस बंद साइड को जो है यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाने के लिए लगा लें। तो डिज़ाइन को जब मैंने स्टार्ट किया है, डिज़ाइन आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमेशा नीचे से बनाना स्टार्ट करना है, इस तरह से हमेशा नीचे से बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ये देखें एक गोलाई सी बनाई है, फिर मैंने फूल बनाया है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ये मैंने पहले बना लिया है, और फूल आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। ये भी आप लोगों के साथ जो है इसको बनाना भी शेयर करूँगी। तो तारकशी में इस फूल को 8 कलियाँ भी बोलते हैं। इसकी टोटल ये देखें 8 पत्तियाँ हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो इस फूल को 8 कलियाँ भी बोलते हैं, यानी 8 जो कलियाँ हैं इसकी, इसको इस तरह से भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये देखें सबसे पहले मैंने ये बनाया है ना, ये बनाने के बाद यहाँ पे सेंटर में से इसकी टोटल 11 डब्बियाँ छोड़ के, 11 डब्बों को छोड़ के तो 12वें डब्बे को फिल करेंगे। तो काउंट कर लेते हैं, ये देखें ये 3 डब्बे जो बनाए हैं यहाँ से सेंटर है, नहीं तो आप ये टोटल 15 है तो इसका सेंटर जो है 8 वाला डब्बा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ से हम 11 डब्बे जो हैं छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। 11 डब्बों को छोड़ के तो अब ये देखें 12वीं डब्बी को मैंने फिल करना है। 12वीं डब्बी के लिए मैंने इस तरह से धागा लगा लिया है, और फिल करने का बहुत ही आसान सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ। इस तरह से ये देखें सुई को लगाया, लगाने के बाद नीचे से लेके आए, अब फिर इसके ऊपर से, यहाँ से नीचे से, आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए नलकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो अट्टी है ये वाला एंकर का जो थ्रेड है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसकी अपनी एक चमक होती है। इस तरह से इस डब्बे को फिल करने के बाद इसके बराबर वाले डब्बे में आ जाएंगे, सुई को इस तरह से ले आएंगे, और अब हम इस डब्बे को फिल करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, इस तरह से फूल को बनाने के लिए ये बनाए गए पहले, तो यहाँ पे हम सेंटर वाली डब्बी में आ जाएंगे और इस तरह से अब इस डब्बी को फिल करेंगे। ये देखें इस फूल में ये जो सेंटर वाली डब्बी है ये खाली होगी, और ये 4 जो है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये 4 यही बना रहे हैं, इस तरह से 4 डब्बों को फिल करके।
अब यहाँ से फिर साइड वाली डब्बी में आके तो इस डब्बी को फिल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस तरह की एक डब्बी जो है यहाँ पे बना ली है। अब हम ये जो सुई है हमारी यहाँ से इसके बिल्कुल ये देखें ये वाले डब्बे को फिल करेंगे। ये देखें ये वाला डब्बा हमने बनाया है ना, तो इससे ऊपर वाला एक डब्बा जो है वो फिल कर लेंगे। एक डब्बी को फिल कर लिया है, अब हम इसके बराबर वाली दो डब्बियां फिल करेंगे ऊपर की तरफ से। दो डब्बियां हमारी फिल हो गई हैं। अब हम ये देखें इस तरह से एक डब्बी में करीबन 3 से 4 स्टिच ले रहे हैं। अब हम अगली डब्बी में आ गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगली डब्बी में से मैंने सुई को निकाला है। अब हम तीन ये देखें पहले हमने एक को फिल किया, ये चारों को फिल करने के बाद ये इस तरह से चार डब्बियां हमने फिल की। फिल करने के बाद इस डब्बी के ऊपर वाली डब्बी को हमने फिल किया है, एक को किया फिर दो को, अब हम तीन को करेंगे इस तरह से। फिल करना इसको बहुत ही आसान है। इस तरह से हमारे तीन डब्बे जो हैं ये देखें एक फिर दो और फिर तीन, तीन को हमने फिल कर लिया। अब हम यहाँ से इस तरफ से नीचे से एक डब्बे को काम करेंगे और यहाँ पे दो डब्बों को फिल करेंगे। ये देखें यहाँ पे सुई बिल्कुल बराबर में ला के तो अब सिर्फ दो को फिल करेंगे इस तरह से। ये देखें नीचे से हमने एक डब्बी को छोड़ दिया। इस तरह से अब ये दो डब्बों को फिल करने के बाद अब हम फिर एक डब्बी को छोड़ के तो सिर्फ एक डब्बे को फिल करेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा एक पत्ता जो है वो रेडी हो गया। तो आसान सा तरीका ये देखें तीन हमने इस तरफ बराबर रख के बनाई हैं, तो सेम इसी तरह से हम तीन ऊपर की तरफ भी बराबर करके रख के बना लेंगे। तो इसको ये देखें इसमें ये इस तरह से हमने फिल कर लिया, एक पत्ता हमने बना लिया है। अब हम सुई को यहाँ पे लेके आएंगे इस खाली बॉक्स में, ये देखें इस डब्बे के ऊपर वाले बॉक्स में लेके आएंगे। तो सुई को यहाँ से लगा के नीचे ये देखें छोटे छोटे से स्टिच ले रही हूँ, धागे को डायरेक्ट नहीं लेके जाना, छोटे छोटे से स्टिच बना के तो फिर लेके जाना है। यहाँ पे इस बॉक्स में आ जाएंगे सुई को लेके। इस तरह से इस डब्बे में आने के बाद डायरेक्ट जो है हम तीन डब्बों को फिल करेंगे। ये देखें इस डब्बे को खाली छोड़ के ओके सॉरी ये देख थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह बनाएं तो गलत भी हो जाए तो बहुत जल्दी जो है वो ये देखें निकल आता है धागा, उधेड़ना बहुत आसान है। हमने अगले डब्बे में जाना था यहाँ से इस तरह से। ये देखें अब जो हमारे पास ये वाली डब्बी है जो हमने पहले बनाई हुई है इसके बराबर जो है ना इसको हमने खाली रखना है। ये देखें इसके बिल्कुल सामने अब जो इस साइड पे है यहाँ पे हम तीन डब्बों को फिल करेंगे, पहले डब्बे को छोड़ के पहला डब्बा खाली छोड़ देंगे और तीन को फिल करेंगे। तो देखें इस तरह से एक दो और तीन डब्बों को हमने फिल कर लिया है। अब अगेन जिसको उठाया था उसको नीचे रखेंगे और जो नीचे है उसको उठा के तो डब्बी को फिल कर लेंगे। इस तरह से
अब हम यहाँ से सुई को इस डब्बे में ले आएंगे और ये देखें यहाँ से जिसमें हम सुई को लाया है डब्बे को छोड़ के ऊपर की तरफ से एक डब्बे को बढ़ा देंगे इस तरह से। ये देखें ऊपर की तरफ से हमने एक डब्बे को बढ़ा दिया है, टोटल फिर भी हम तीन फिल कर रहे हैं। इस तरह से अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आ जाएंगे और ऊपर की तरफ एक डब्बे को बढ़ा देंगे। इस तरह से तो एक फूल के जो पत्ते हैं, एक दो पत्ते जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सुई से या सुई को नीचे से ला के तो यहाँ पे ले आएंगे। देखें ये जो डब्बी है ये हम मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि इसको नहीं हमने फिल करना है, इसको खाली छोड़ना है। तो देखें अब यहाँ पे सुई को ले आऊँगी तो सेम इसी प्रोसेस से पहले तीन डब्बों को फिल करूँगी, एक को छोड़ के ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो तीन बार इसको फिल कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे सुई को लाया है, अब फिर से अगेन इसके बराबर, ये देखें इसके बिल्कुल बराबर तीन डब्बों को फिल कर लेंगे। इसको फिल करने के बाद नीचे से एक को कम कर लेंगे। देखें यहाँ से एक डब्बे को कम करके ऊपर की तरफ एक को बढ़ा लेंगे। अब फिर इसके बराबर वाले में आके तो ऊपर से एक डब्बे को बढ़ा देंगे। अब यहां से सुई को यहां पे ले आएंगे और यहां से इस डब्बे में आ जाएंगे। ये देखें इसके बराबर में अब इसको ऊपर की तरफ जो है फिल करेंगे सेम इस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से हमने ये वाला पत्ता फिल किया है, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर ऊपर की तरफ दो और एक। सेम इसी प्रोसेस से इस साइड वाले पत्ते को भी फिल कर लेंगे। देखें यहाँ पे सबसे पहले एक डब्बे को एक को फिल करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर वाले डब्बे में आएंगे। ये देखें यहाँ से जिस तरह से ये बराबर हैं सेम इसी तरह से ये यहाँ से भी बराबर होंगे। एक को फिल किया है, अब हम दो को करेंगे। ये देखें जहाँ जैसे यहाँ पे खाली डब्बे हैं सेम इसी प्रोसेस में यहाँ से भी खाली डब्बे बनेंगे। एक को बनाया, अब हम दो को फिल करेंगे। ये देखें इस तरह से दो को फिल कर लिया है, अब हम तीन डब्बों को फिल करेंगे। ये देखें यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे नीचे से और ऊपर की तरफ से एक को बढ़ा देंगे। इस तरह से तो अब हम नीचे से एक डब्बे को कम कर देंगे, इसके बिल्कुल बराबर में आ गए तो ऊपर की तरफ दो डब्बों को फिल कर लेंगे।
सेम इसी प्रोसेस से हम इस साइड पे भी बना लेंगे। अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो एक डब्बे को फिल कर लेंगे। तो इस तरह से देखें हमारा जो आधा फूल है वो बन चुका है, चार कलियां जो हैं वो बन चुकी हैं। अब यहां से फिर सुई को यहाँ पे ले आएंगे। ये जो हमने पहले चार बनाए हैं ना, इनके बराबर बिल्कुल खाली रहेंगे। ये देखें जिस तरह से इस फूल में है, ये देखें चारों यहाँ से भी खाली, इसके बराबर वाला ये भी खाली, ये भी और ये भी। सेम इसी प्रोसेस से इस पे यहाँ पे भी होगा। अब देखें इसके बराबर वाला खाली रखेंगे। अब सुई को फिर यहाँ पे ला के तो नीचे की तरफ एक डब्बे को फिल करेंगे। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद फिर दो, फिर एक। इस तरह से तीन को फिल कर लिया है। अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो नीचे वाले से एक डब्बी को कम कर देंगे। नीचे से एक डब्बी को कम करके ऊपर की तरफ दो डब्बों को फिल कर लेंगे। अब यहाँ से फिर इसके बराबर में आके तो एक डब्बे को फिल कर लेंगे इस तरह से। अब हम फिर यहाँ से सुई को यहाँ पे ले आएंगे और ऊपर की तरफ तीन तीन डब्बों को सेम इस प्रोसेस से फिल कर लेंगे। यहाँ से बराबर वाले डब्बे में जाके ऊपर की तरफ एक को बढ़ा देंगे, सेम पिछले प्रोसेस की तरह। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें इसके ऊपर वाला खाली और यहाँ पे फिर इसके बराबर तीन डब्बों को फिल कर लेंगे। फिर एक को कम कर लिया है, ऊपर की तरफ एक को बढ़ा देंगे। देखें यहाँ पे नीचे से एक को कम कर देंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ एक को बढ़ा देंगे।
अब फिर सुई को यहाँ पे लेके आएंगे इस तरह से, और सेम इसी प्रोसेस से पहले एक डब्बी को फिल करेंगे। एक के बाद फिर दो को यहाँ पे ऊपर की तरफ, अब फिर तीन को ऊपर की तरफ, इनको करने के बाद यहाँ से नीचे से एक डब्बी को काम कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने नीचे को एक डब्बी को फिल किया है, अब यहाँ से नीचे को काम करके तो पहले दो डब्बों को फिल करेंगे। दो को फिल करने के बाद फिर नीचे से एक को काम करके तो यहाँ पे एक डब्बे को फिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो अटकलिया फूल है ये मुकम्मल हो गया है। अब इसमें भी कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहली बात जिसका आप लोगों ने ध्यान रखना है कि देखें यहाँ पे, ये देखें ये जो ये वाले हमने चार शुरू में फिल किए थे इसके बराबर में ये देखें खाली होने चाहिए, इस तरह से यहाँ से भी खाली, यहाँ से भी, चारों तरफ से। दूसरी बात ये देखें जब हम इसको फिल करेंगे तो ये पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, और तीसरा इस तरह से तीसरे के बराबर हो। सेम इसी प्रोसेस में ये देखें यहाँ पे अगर हम इस साइड पे भी लें, ये देखें पहले दो इस तरह से बराबर हैं, फिर अगले दो भी बराबर हैं, और फिर लास्ट वाले भी बराबर हैं। और दूसरी बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये देखें चाहे यहाँ से देख लें इस तरह से बने, ये देखें इस तरह से वी शेप बन रही हो, अगर आपकी यहाँ से वी शेप नहीं है तो फिर आपका फूल बिल्कुल भी सही नहीं बना। तो इसको बनाने का एक और भी मेथड है, वो इससे भी इजी है, लेकिन उसमें होता क्या है कि ये देखें हमने ये जो इस तरह से लंबे रूप पे हमने तीन डब्बे फिल किए हैं ना, तो इस प्रोसेस पे ये देखें यहाँ पे भी हम ये डब्बे हमने लंबे रुख पे फिल किए हैं, तो इस तरफ जब हम फिल करते हैं तो ये फिर चौड़ा रुख हो जाता है। ये देखें वो भी सेम, वो आसान है ज़्यादा। ये देखें इस तरह से तीन फिल करेंगे, यहाँ से एक को छोड़ेंगे, फिर तीन ऊपर की तरफ बढ़ा के एक फिल कर लेंगे, तो उसमें ये होता है कि धागे की जो शेड है ना, एक की गहरी आ रही होती है और एक की कम आ रही होती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अब इस तरह से हमारा अटकलिया जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये देखें जो हमारी लास्ट वाली पत्ती है फूल की, जो यहाँ से सॉरी लास्ट वाला पत्ता है, यहाँ से एक पत्ते को छोड़ेंगे, एक डब्बे को इस तरह से एक लाइन को छोड़ेंगे, यहाँ पे सुई को लगा के तो नीचे की तरफ फिल करेंगे। ये देखें जिस तरह से पिछले फूल में, ये देखें यहाँ पे ये फूल मुकम्मल हो गया, तो ये जो साइड वाला पत्ता है यहाँ से देखें एक लाइन छोड़ी हुई है, दूसरी साइड पर भी देख लें एक लाइन इस तरह से छोड़ी हुई है। सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पे सुई को लगाएंगे एक लाइन को छोड़ के, तो सबसे पहले तीन डब्बों को फिल करेंगे ऊपर की तरफ, यहां से इस तरफ, तीन डब्बों को फिल करने के बाद सेम इसके बराबर वाले डब्बे में आके इस तरह से तो ऊपर की तरफ एक डब्बे को फिल करेंगे। देखें एक जो है गोलाई वाला शेप मैंने बना लिया है, अब दूसरा मैं बना रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस से ये भी बनाया है। अब ऊपर की तरफ एक को फिल करके फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आ जाएंगे इस तरह से, तो अब हम दो डब्बों को फिल करेंगे लंबाई पे,
दो डब्बों को फिल करने के बाद फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आ गए तो एक डब्बे को फिल करेंगे। इस तरह से एक डब्बे को फिल करने के बाद फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो यहाँ पे दो डब्बों को फिल करेंगे। लेकिन ये देखें, ये जो हमने इससे पीछे दो डब्बे फिल किया वो हमने लंबे रुख पे फिल किए हैं, अब हम यहाँ पे जो दो डब्बे फिल करेंगे चौड़े रुख पे फिल करेंगे। तो ये देखें इस तरह से सबसे पहले हमने तीन डब्बे फिल किए, फिर एक, फिर लंबे रुख पे दो, फिर एक, फिर चौड़े रुख पे दो, अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में जाके तो चौड़े रुख पे तीन डब्बों को फिल करेंगे। इस तरह से तीन डब्बों को हम ऊपर की तरफ फिल कर लेंगे। तो इस तरह से तीन डब्बों को हमने फिल कर लिया है, एक, दो और तीन। अब सेम इसके बराबर वाले डब्बे में जाके इस तरह से जाके तो सेम इसी प्रोसेस से पहले दो डब्बों को फिल करेंगे, फिर एक को, फिर लंबे रुख पे दो, फिर एक और फिर लास्ट पे तीन। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए एक को फिल कर लिया है बिल्कुल इसके बराबर, दूसरा डब्बा भी फिल कर लूंगी। इस तरह से दूसरा डब्बा फिल करने के बाद सेम इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो नीचे की तरफ एक डब्बे को फिल कर लूंगी लंबे रूप पे इस तरह से। अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में और नीचे की तरफ दो डब्बों को इकट्ठा फिल करूंगी। अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आ जाएंगे और एक डब्बे को फिल करेंगे। यहाँ पे और नीचे की तरफ अब फिर तीन डब्बों को फिल कर लेंगे। तो देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ से भी हमारी जो है एक लाइन खाली है, और ये देखें यहाँ से भी एक लाइन खाली है, बिल्कुल एकदम बराबर बना है। बहुत ही आसान सा है, पहले हम तीन डब्बों को फिल करेंगे, फिर एक को, फिर लंबे रुख पे दो को, फिर एक को, फिर चौड़े रुख पे दो को, फिर चौड़े रुख पे तीन को। फिर इसी अमल को दोबारा दोहराएंगे। तीन बनाने के बाद ये देखें यहाँ पे दो चौड़े पे बनाई हैं, फिर एक, फिर दो, फिर एक और फिर तीन, इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कि धागा जो है सुई में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अब हम यहाँ से देखें, यहाँ से आप डब्बे काउंट भी कर सकते हैं। तो मैंने काउंट किए तो 11 डब्बे थे। यहाँ पे हम 11 डब्बों को छोड़ देंगे, जिस तरह से सेंटर में से भी हमने 11 छोड़े थे, सेम इसी प्रोसेस से यहाँ से सुई को लगाएंगे और इसके साथ साथ से होते हुए छोटे छोटे से स्टिच लेंगे। ये देखें इस तरह से सुई को निकाला, छोटा सा स्टिच लूँगी, आगे से सुई को निकाल लूँगी और 11 डब्बे छोड़ के 12वें डब्बे को फिल कर लूँगी। इस तरह से मैंने सुई लगाई है, अब मैं काउंट कर लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वाला 11। तो यहाँ पे मैं सुई को ले आऊँगी, ये देखें
11 और इस तरह से अब हम 12वें डब्बे को फिल कर लेंगे। देखें 12वें डब्बे को हम नीचे की तरफ 3 डब्बों को फिल करेंगे इस तरह से। तीन डब्बों को फिल करने के बाद इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो ऊपर की तरफ एक डब्बे को फिल करेंगे। सेम इसी प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। एक डब्बे को फिल करने के बाद देखिए इसके बराबर में आके तो दो डब्बों को फिल करूंगी। अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो फिर एक डब्बे को फिल करेंगे। इस तरह से एक डब्बे को फिल करने के बाद फिर बराबर में आके तो दो डब्बों को चौड़े रुख पे फिल करेंगे। इस तरह से चौड़े रुख पे दो डब्बों को फिल करने के बाद ये देखें तीन डब्बे जो है ऑलरेडी हमारे जो हमने पहले फिल किए हैं वही जो है फिल हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ से सुई को इसके बराबर वाले डब्बे में ला के तो फिर अगेन इसी प्रोसेस को पहले दो को फिल करेंगे। इस तरह से दो को फिल कर लिया है। अब फिर इसके बराबर में आके तो नीचे की तरफ एक डब्बी को फिल कर लेंगे। अब फिर इसके बराबर में आके तो लंबाई के रूप पे तीन दो डब्बों को फिल कर लेंगे। अब फिर यहाँ से इस डब्बे में आके तो नीचे की तरफ एक डब्बे को फिल कर लेंगे। अब इसके बराबर में आके तो नीचे की तरफ अगेन तीन डब्बों को फिल कर लेंगे। इस तरह से हमने तीन डब्बों को फिल कर लिया है लेकिन सुई में धागा अभी भी है। तो अब हम फिर से इस फूल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन देखें पहले तो मैंने बिल्कुल सेंटर में से स्टार्ट किया था, तो अब मैं यहाँ से इस एक पत्ते को बनाऊंगी। ये देखें यहाँ पे लाने के बाद एक डब्बे को खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे सुई को लगा लेंगे इस तरह से। सुई को लगाने के बाद यहाँ पे एक और बल देंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने धागे को लगाया है तो यहाँ पे पहले एक डब्बे को फिल करेंगे। ये देखें जिस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ बराबर रखते हुए, ये देखें ऊपर की तरफ पहले तीन बराबर हैं तो इस तरह से पहले एक को फिल करेंगे। ऊपर से बराबर रखते हुए अब एक को बढ़ा देंगे नीचे से इस तरह से। अब फिर बराबर रखते हुए तीन कर देंगे जिस तरह से पहले मैं आप लोगों के साथ इस पत्ते को बनाना शेयर कर चुकी हूँ। अब देखें तीन इस तरह से हमने यहां से बराबर रख लिए ना, आप ऊपर की तरफ से एक कम करेंगे और नीचे की तरफ दो डब्बों को फिल करेंगे। सेम इसी तरह से यहां से भी तीन बराबर बनेंगे। अब फिर यहां से एक को कम कर देंगे और जस्ट एक डब्बी को फिल कर लेंगे। तो इस
तरह से एक पत्ता जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बिल्कुल बराबर में सुई को ला के इस तरह से तो नीचे की तरफ एक डब्बे को फिल करेंगे। अब ये जो सबसे पहले हमने ये वाला बनाया था इसको बनाएंगे। अब इसके बिल्कुल बराबर वाले में आके तो नीचे की तरफ एक डब्बे को फिल कर लेंगे। फिर इसके बराबर जाके ऊपर की तरफ एक डब्बे को फिल कर लेंगे। फिर सेंट्रल वाली डब्बी में जा गए तो ऊपर की तरफ एक डब्बे को फिल कर लेंगे। इस तरह से देखें जो सबसे पहले डब्बी मैंने फिल की थी वो हमारी बन गई है। अब हम इसके बिल्कुल बराबर में आ गए तो ऊपर की तरफ तीन डब्बों को फिल कर लेंगे। सेम पिछला प्रोसेस जो है उसको दोहराते हुए अब इसके बराबर में आके ऊपर से एक डब्बी को बढ़ा देंगे। इस तरह से तो अब हम फिर यहाँ पे ये देखें इसके बराबर यहाँ पे सुई को निकाल लेंगे। तो ये देखें जो चार हमने इस तरह से डब्बे फिल किए हैं इसके ऊपर वाला बिल्कुल खाली है और यहाँ पे फिर तीन डब्बों को फिल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जो है तीन लाइनें बना ली हैं। अब हम अगेन यहाँ पे आएंगे यहाँ से सुई को निकालेंगे और सबसे पहले एक डब्बे को फिल करेंगे यहाँ से बराबर रखते हुए पहले एक फिर दो फिर तीन। नीचे से बराबर रखते हुए अब तीसरी को भी इस तरह से ये देखें तीन यहां से बराबर बना लिए हैं। अब यहां से नीचे से एक को कम करके तो ऊपर की तरफ दो को बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब फिर इसके बराबर वाले डब्बे में आके तो एक डब्बे को फिल कर लेंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से तो ये देखें इस तरह से आधा फूल जो है हमारा बन चुका है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दूसरी साइड का भी फूल बना लेंगे और इस तरह से गुलाई में भी शेप दे देंगे। तो ये जो मैंने डायरेक्ट धागे निकाले हुए हैं ये करीबन 15-15 निकाले हैं। तो इसका प्रोसेस अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।